राज्य की आईटीआई करौंदी में प्रतिभाशाली प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित किया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संस्थान स्तर पर उच्चतम अंक प्राप्त प्रशिक्षार्थियों को सम्मानित किया जाता है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रोहनिया क्षेत्रीय विधायक सुनील पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सुनील पटेल तथा संस्थान के प्रधानाचार्य एमके सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में वाराणसी जनपद में स्थित राजकीय आईटीआई करौंदी के 29 राजकीय आईटीआई चौकाघाट के 7 तथा राजकीय आईटीआई महिला विश्व बैंक के कुल 3 प्रशिक्षार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे उच्च नौकरियों में जाकर संस्थान का नाम रोशन किए उन्हें भी संस्थान स्तर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुनील पटेल के साथ साथ राजकुमार वर्मा, कार्यालय अध्यक्ष अपना दल एस, श्यामभूषण सिंह पार्षद, मानक सिंह युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अपना दल एस भी उपस्थित रहे। पंचमुखी गोस्वामी इधर देखो बेटा, गाइडर से बच्चा उपस्थित नहीं है। अनुरोध है कि यह कार्यक्रम कौशल दीक्षांत समारोह 2024 के नाम से आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे पिछले वर्ष के जो पास छात्र हैं उसमें जो प्रतिभाशाली छात्र जिन्होंने प्रथम स्थान अपने व्यवसाय विशेष पर प्राप्त किया है उनको मेडल और प्रशस्ति पत्र एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि में हमारे माननीय विधायक जी श्री सुनील पटेल जी को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कार्यक्रम को लाभान्वित किया। उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हाँ, जो बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है बहुत ही गौरव की बात है और हमारी शुभकामनाएं उनसे कि वो अपना ऐसे ही जो अपना रिदम है बनाए रखें और आगे उच्च शिक्षा में या अन्य कहीं भी जाते हैं तो वो उन्नति को प्राप्त हो और अपना उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौदी में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में रोहनिया के विधायक माननीय सुनील पटेल जी और मैं बच्चों में मेडल और उनका प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह था जिसमें हम सभी शामिल हुए। किसी बच्चों को मेडल मिला है? बच्चों का एक वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम दीक्षांत था, दीक्षा का अंत जब एक वर्ष हो जाता है तो होता है, तो दीक्षांत समारोह में हम सभी शामिल थे, बच्चे भी थे, उत्साहित हैं। सारे बच्चों को हम लोगों ने मेडल और प्रशस्ति पत्र वितरण किया है। कार्यक्रम अभी चल रहा है, हम सभी यहाँ शामिल हुए हैं। प्रशस्ति का मतलब समझिए, प्रशस्ति का मतलब तो यही है कि बच्चों का प्रोत्साहन है और सालाना कोर्स उनका खत्म हुआ है, ईयर लास्ट हुआ है तो उनका सम्मान भी हुआ है। ये सारी चीजें लोकप्रिय सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तरोत्तर ये कौशल विकास के कार्यक्रमों में बहुत ही तेजी से इजाफा हुआ। नौकरी लोग कहते नौकरी नहीं है या नौकरियों की बाढ़ है, हम नौकरियां दे रहे हैं लोग नौकरियां लेने वाले नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट देख लीजिए, बच्चों से मिल लीजिए, बच्चों को देख लीजिए और मतलब सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके नेतृत्व में हमारा दिनों दिन उत्तरोत्तर विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, इनके प्लेसमेंट के लिए कुछ सारी बहुत सारी यहां तो टाटा की यहां सेंटर बना हुआ है, बहुत बड़ा सेंटर बना है टाटा का। दीक्षांत के यहाँ कंपनी आई है, उनका प्लेसमेंट बच्चों का हो चुका है, अभी होना नहीं है तो दीक्षांत उनको डिग्री दी गई है, बाकी बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है।